दोस्तों, खामोशी से भी कर्म होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की अटर सिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर में लेकर आए हैं आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की यहां पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला हुआ था लगभग 126 पदों के लिए, उसके लिए यहां पे प्रीलिम्स में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया था, इन सब के बारे में मैं आपको बताएंगे। और लगभग 2600 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहां पे मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी इस रिजल्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और ऑफिशियल रिजल्ट देख लें। जी हां दोस्तों, ये ऑफिशियल रिजल्ट आउट कर दिया जा चुका है और रोल नंबर देखने के बाद ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, और मेंस की तैयारी के लिए अब आपको क्या रणनीति बनानी है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा सकेंगे हम। दोस्तों, आपको बता दें कि 65वीं बीपीएससी का भी आगाज हो चुका है, लगभग 434 पदों की भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारा डिटेल मैंने दे दिया इस वीडियो में। और जो भी रिक्रूटमेंट की मैंने वैकेंसी निकाली है, उन सभी वीडियोस को जरूर देखा करें, एटलीस्ट किसी एक का भी भला हो जाए हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, तो हम अपने आप को यहाँ पे बहुत ही खुश नसीब मानेंगे। दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको जो कि इसकी ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है, यहाँ पे देख ही सकते हैं रिजल्ट आ चुका है ऑफिशियली। ये रिजल्ट है, आप भी अपना रिजल्ट यहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। ये आपको हिंदुस्तान खबर में ही पब्लिश किया गया है और ये देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic पर भी इसको उपलब्ध कराया जा चुका है। बता दें आपको कि जो विज्ञापन संख्या थी दोस्तों 2 2018, इसकी वैकेंसी निकली थी लगभग 126 पदों की बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की। तो जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया था, उनका एग्जाम जो था प्रीलिम्स का, वो हुआ था दोस्तों 9 जून 2019 को, रविवार को हुआ था। एक पाली में ली गई थी इसका एग्जाम और लगभग 86,595 ऐसे पोस्ट मतलब कैंडिडेट थे जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, पर इसमें जो कैंडिडेट अपियर हुए थे उनमें अपियर हो पाए थे दोस्तों 54,192, यानी कि लगभग आपका 32,403 ऐसे लड़के थे जो कैंडिडेट थे जो कि अपसेंट थे इस एग्जाम को देने के लिए। सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 86,595 यानी कि लगभग 87,000 कैंडिडेट का यहाँ पे टोटल कैंडिडेट बताया गया है। और ये देखिए, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफल होने वाले परीक्षार्थी का परीक्षा फल निरूपण यहाँ प्रकाशित कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं अपने रोल नंबर वाइज ये सारा डिटेल, अगर आपका रोल नंबर है आपको पता तो ठीक है, इसमें कुछ जानकारी और ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, जो नंबर ऑफ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट यहाँ पे हैं ये 726 हैं, और वहीं पर फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म, उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म को डुप्लीकेट तरीके से भर दिया है, मतलब सही से नहीं भरा है, उनमें ऐसे 19 कैंडिडेट थे। फिलिंग डुप्लीकेट फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे अब्सेंट कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट अब्सेंट हैं, है ना, तो वो 43 कैंडिडेट थे ऐसे जिन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन को भर के भी अब्सेंट रहे हैं। ओके, अगला है जो यहाँ पे फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी कुछ ही लोगों ने एग्जाम में गलत भर दिया था, उनमें से लगभग 85 ऐसे कैंडिडेट पाए गए हैं पूरे बिहार में। और ये है बुकलेट कोड जो है वो भी गलत भरने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 62 बताई जा रही है। उसी के अलावा यहाँ बता दें कि यूजिंग अनफेयर मीन्स, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब पकड़े गए हैं अनफेयर मीन्स, मतलब कि किसी और की जगह पे बैठ के यहाँ एग्जाम देते हुए, तो ये उनमें 18 ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए हैं। उसके अलावा नो सिग्नेचर इन ओएमआर, तो ये सबसे बड़ी गलती की गया है, क्योंकि जब इसका फॉर्म निकला था तो मैंने आपको बताया था कि ये ओएमआर सीट बेस्ड एग्जाम होगा, और इसका एग्जाम देते समय आप लोग अगर ओएमआर सीट को अच्छे से नहीं फिल कर रहे हैं तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो देखिए, इनमें से लगभग यहाँ पे 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिजेक्शन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, हैंडराइटिंग, नो हैंडराइटिंग रिटन इन हिंदी और इंग्लिश, इनमें 63 और 61 दो क्रमशः यहाँ पे नंबर बताए गए हैं जो कि हैंडराइटिंग रिटन नहीं किए थे ओएमआर सीट पे।
नो हैंड राइटिंग आइदर हिंदी और इंग्लिश, इनमें से दो ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब हिंदी में लिख दिया और अंग्रेजी में नहीं लिखा ऐसा, ठीक है। ग्रैंड टोटल है दोस्तों यहाँ पे 1105 कैंडिडेट का टोटल, ओके। अपीयर कैंडिडेट जो है यहाँ पे 1062 थे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अब्सेंट कैंडिडेट जो थे ये 43 थे, ओके। ये सारे के सारे जो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट में जो ग्रैंड टोटल बना 1105 ऐसे थे जिनका यहाँ पे डिसक्वालिफाई कैंडिडेट के नाम में लिस्ट है, लिस्ट में नाम है इनका। और जो अपीयर कैंडिडेट हुए थे इनमें से वो हैं 10062, और जो एब्सेंट थे इसमें मात्र 43 थे। तो ये डेटा डिसक्वालिफाइड का है, और टोटल अपीयर हुए थे कितने, तो 54,192 कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के बाद अपीयर हुए थे, बाकी 86,595 में से, है ना। तो 32,000 कैंडिडेट तो फॉर्म भर के भी एग्जाम दिए ही नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम से उनका जो एग्जाम नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की तैयारी करना है आपको अब इसके बाद, ठीक है। तो जिनका भी नाम है यहाँ पे 2600 कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन हुआ है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ओके। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड फिट टू बी कंसीडर द प्रोसेसिंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऐसे हैं जो कि फिट पाए गए हैं 54,192 में से 101,062, ठीक है। और टोटल नंबर हुज रिजल्ट वाज प्रोसीड, मतलब 53,130 का जो है रिजल्ट यहाँ पे प्रोसीड किया गया आगे की तरफ, और इनमें से सिलेक्शन किया गया है 2600 का। देखिए टोटल नंबर ऑफ पास एंड फेल कैंडिडेट 30% पास हैं और 30% यहाँ पे फेल बताए गए हैं सिक्योर यहाँ मार्क्स के द्वारा, यानी कि 42,000 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं तो 11,000 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए हैं। अब कुछ है यहाँ पे डाटा, यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ जो फ्रीडम फाइटर के से फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें मेल कैंडिडेट है 58 और फीमेल कैंडिडेट हैं 2, यानी कि 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फ्रीडम फाइटर से सेलेक्ट हुए हैं। चलिए ये अच्छी बात है, यहाँ से भी रिजल्ट होना चाहिए। डेटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, अब देखिए जो आपको कैटेगरी वाइज डेटा दिया गया है यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट का, उनमें जनरल कैंडिडेट का ये आपका कट ऑफ एक तरफ से समझ सकते हैं, जो कि कट ऑफ गया है यहाँ पे जनरल का 68.2, ये जनरल का कट ऑफ गया है दोस्तों मेल के लिए, और वहीं फीमेल के लिए 51.9 गया है फीमेल के लिए। उसके बाद बीसी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट हैं उनको 290 सीटेड हैं यहाँ पे, और 66.3 जो है उनका मेल मेंबर को गया है कट ऑफ, और वहीं 48 गया है फीमेल कैंडिडेट को। ईबीसी की बात कर ले तो 457 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे कट ऑफ गया है 64.5, और जो फीमेल थी उनका गया है 39.1, ओके। अब यहाँ पे जो एससी है वहाँ पे उनकी 430 सीटें आई हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे 430, जिसमें कि कट ऑफ गया इनका 60.4 और फीमेल में जो गया है 31.8। एसटी में अगर हम बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और 61.1 जो है कैंडिडेट का कट ऑफ गया है, और इसमें फीमेल कैटेगरी की सीटें नहीं थी। उसके अलावा बीसी वुमेन्स के लिए यहाँ पे 3% के लिए 81 कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, इनका कट ऑफ नहीं दिया गया है, और इसमें फीमेल कैटेगरी है, ये बॉयज़ में तो थे ही नहीं, और ये क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पे परसेंटेज बताया जा रहा है, तो 45.9 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फीमेल कैटेगरी के जो यहाँ पे उनका कट ऑफ गया है, ओके। अब वार्ड जो है फ्रीडम फाइटर के लिए कैंडिडेट थे 60, ठीक है, अब यहाँ पे इनका कट ऑफ नहीं दिया गया है, ठीक है, पर इनका 60 सेलेक्ट हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों ये 2600 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं इस एग्जाम के मेंस के लिए, ओके। ये देखिए मेंस के एग्जाम के लिए ये लोग सेलेक्ट हुए हैं 2600। डेटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, तो 37,885 कैंडिडेट का यहाँ पे मेल में रिजेक्शन हुआ है, और 1,593 जो है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे डिसक्वालीफाई हुए हैं, मतलब कि कैंडिडेट यहाँ पे जो नॉट सेलेक्टेड हैं, ओके। कैटेगरी वाइज सारा डेटा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि प्रारंभिक परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का अनिवार्य बताया गया है, और उसके लिए जो चयनित यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं टोटल 2600 हैं यहाँ पे डेटा दिया हुआ है इस अभ्यर्थी की सूची में। अब आप अपना यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, सारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 27,100, 155 से लेकर स्टार्ट हुआ है ये रोल नंबर आपका। अब इसी में टोटल 2600 में अगर आपका नंबर है यहाँ रोल नंबर है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसकी जो मेंस की एग्ज़ाम है दोस्तों वो बस एक महीने के अंदर ही लिया जाएगा, यानी कि आपका अगस्त या सेप्टेम्बर, माफ़ कीजिएगा सेप्टेम्बर भी नहीं, जुलाई के लास्ट तक इसका डेट आ जाएगा, और जुलाई के बाद अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम संभवतः हो जाएगा, ओके।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल रिजल्ट आउट किया गया है, ये विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना के जरिए इसे प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान खबर में ये न्यूज़ छपी थी दोस्तों, तो मैंने आप तक ये न्यूज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये नोटिफिकेशन आप तक जाता है तो एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। और इसके मेंस के लिए मैं बता दूं आपको, जो भी मेंस की तैयारी करेंगे कैंडिडेट, इसके मेंस की तैयारी के लिए सारा डिटेल हम अपने चैनल पे देंगे। और साथ ही साथ साथ ही साथ आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 126 पोस्ट निकाले गए थे, 126 में से अब यहाँ पे इन 2600 सीटों में से 126 का सिलेक्शन होना है। तो मेहनत बहुत करनी होगी क्योंकि यहाँ कंपटीशन टफ होगा आपका, क्योंकि सीट कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा कि संभवतः यहाँ पे हार्ड वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा और स्मार्ट वर्क करें। बाकी मेंस के लिए जो भी डेटा होगा हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे, आपको बताएंगे वहाँ कहाँ से जाके आपको सारा डेटा उठाना है। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।